चलिए बुलेटिन को रफ्तार देते हैं, विस्तार देते हैं, शुरुआत करते हैं। वर्ल्ड टी20 का कोलकाता भारत और पाकिस्तान का वहां मुकाबला चल रहा है और भारत ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया है, जो लगभग सही साबित हो रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि पाकिस्तान के 3 विकेट तो गिर चुके हैं और 83 रन टीम इंडिया बना चुकी है और 15वां ओवर इस वक्त चल रहा है। 14.1 ओवर का खेल समाप्त, 83 रन 3 विकेट और शाहिद अफरीदी, शहजाद अहमद और सरफिल खान आउट हो चुके हैं। और आपको बता दें कि पिच जो है स्पिन कर रही है, यहां पर स्पिनर्स को काफी मदद मिल रही है और 18-18 ओवर का ही ये मैच है। आपको ये भी बता दें क्योंकि बारिश की वजह से 2-2 ओवर काट लिए गए, 18-18 ओवर का ये मैच हो रहा है और इस वक्त 15वां ओवर गतिमान है। 84 रन बना चुकी है टीम पाकिस्तान 3 विकेट के नुकसान पर और इसी बीच नो बॉल का इशारा हुआ है, यानी कि फ्री हिट मिलेगा। तो कुल मिलाकर कहें तो दिलचस्प ये मुकाबला। और कप्तान की अगर हम बात कर लें तो धोनी वर्सेस शाहिद अफरीदी के बीच भी ये मुकाबला चल रहा है। तो कोलकाता के ईडन गार्डन में भारत और पाक के बीच हाई वोल्टेज मुकाबला चल रहा है। पूरा देश जहां इस मैच का लुत्फ उठा रहा है, वहीं जम्मू में सेना के जवान भी भारत और पाकिस्तान का मुकाबला देख रहे हैं। सेना के जवान ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मना रहे हैं। जवानों को भरोसा है कि भारत पाकिस्तान को जरूर हरा देगा, जोश से लबरेज जवानों की जो ये तस्वीरें हैं वो खुद बयां कर रही है कि किस कदर सेना के जवानों पर महामुकाबले का स्वरूप चढ़ चुका है। उधर बाया नगरी मुंबई की बात करें तो यहाँ भी महामुकाबले का फीवर चढ़ा हुआ है। पूरे भारत में एक ही तस्वीर है, सभी यही चाहते हैं कि टीम इंडिया इस मुकाबले को जीत ले और जो रिकॉर्ड है वर्ल्ड कप में नहीं हारने का पाकिस्तान के खिलाफ वो कायम रहे। धोनी के धुरंधर इस मैच को जीत कर अपने आगे के सफर को भी आसान करें। हारने के बाद काफ़ी मुश्किल हो सकती है, लिहाजा भारतीय टीम को हारने का कोई मौका नहीं है। टीम इंडिया के फैंस बड़ी स्क्रीन्स पर मैच देख रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं। और आप तो बता दें वर्ल्ड कप में अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच 10 मुकाबले हुए हैं, 50 ओवर में 6 मुकाबले हुए हैं, 6 में भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दी है। और टी20 वर्ल्ड कप की बात कर लें तो 4 मुकाबले हुए हैं भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत ने 4 मैच जीते हैं और आज जो मुकाबला चल रहा है जाहिर सी बात है भारत जीतना जरूर चाहता है। हमारे ये सेना के जवान आप देख सकते हैं ढोल नगाड़ों के थाप के साथ जश्न मनाते हुए। बढ़ते आगे, अगली खबर की बात करें तो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि पार्टी सरकार की आलोचना बर्दाश्त कर सकती है लेकिन देश की आलोचना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दिल्ली में आज से शुरू हुई बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आपातकाल के बारे में राहुल और कांग्रेस क्यों कुछ नहीं बोलते, मार्क्स और स्टालिन के समर्थक हमसे स्वतंत्रता की आजादी पर सवाल पूछते हैं। साथ ही बैठक में भारत माता की जय का मुद्दा भी उठा। बीजेपी ने कहा कि भारत माता की जय आजादी के समय से और इससे पहले से बोला जा रहा है। बैठक में देश भर से बीजेपी कार्यकारिणी के करीब 200 सदस्य हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता दें कि अमित शाह के 3 साल के लिए पार्टी अध्यक्ष चुने जाने के बाद पहली बार कार्यकारिणी की बैठक हो रही है और इससे पहले बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पिछले साल बेंगलुरु में। और वहीं इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पार्टी संगठन मजबूत होगा और तभी सरकार को भी ताकत मिलेगी। पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हमें खुले मन से काम करना चाहिए। साथ ही उन्होंने नेताओं से सोशल मीडिया का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने की सलाह दी है। 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा के बाद बीजेपी के इस बैठक में पीएम ने कहा हमें ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए। पार्टी और सरकार के काम को जनता तक पहुंचाने का ये बेहतरीन माध्यम है और पार्टी के कैंपेन के लिए सोशल मीडिया बहुत बढ़िया टूल है। साथ ही पीएम ने पार्टी नेताओं से क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के सुझाव और उनके अनुभवों को सुनने की भी नसीहत दी।
और वही सियासत और शतरंज के खेल में कब कौन बाजी मार दे कोई नहीं जानता। जी हाँ, शतरंज में घोड़ा ढाई चाल चलता है, लेकिन सियासत में घायल घोड़ा भी राजा की कुर्सी को खतरे में जरूर डाल सकता है। उत्तराखंड में सियासी संकट गहराता जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल अब ये कि क्या सीएम हरीश रावत की कुर्सी बचेगी, और दूसरा बड़ा प्रश्न ये है कि क्या बागी बाजी मारने में कामयाब होंगे। तीसरा बड़ा सवाल ये है कि सियासत के इस पूरे खेल में बीजेपी क्या करेगी। इन सब के बीच सीएम हरीश रावत विधानसभा में बहुमत साबित करने का दावा कर रहे हैं, और राज्यपाल ने 28 मार्च तक बहुमत साबित करने के लिए कहा है। वहीं दिल्ली के पास गुड़गांव में डटे बागी अपनी सरकार बनाने का दम भी भर रहे हैं। तो बीजेपी का कहना है कि रावत सरकार अल्पमत में है और उसे फौरन बर्खास्त किया जाना चाहिए। इससे पहले देहरादून में शुक्रवार को तेजी से सियासी समीकरण बदले। वित्त विधेयक पर मत विभाजन की मांग को लेकर बीजेपी के साथ कांग्रेस के 9 बागी विधायक साथ हो गए। स्पीकर ने उनकी मांग को ठुकरा दिया। रावत सरकार में मंत्री रहे हरक सिंह भी बागियों के साथ हैं। पूर्व सीएम विजय बहुगुणा ने भी सीएम रावत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, और बीजेपी कांग्रेस के बागी विधायक बीती देर रात राज्यपाल से भी मिले। बहुमत का दावा करते हुए विधायकों की परेड कराई, और देहरादून से आज सुबह बीजेपी और कांग्रेस के बागी विधायक दिल्ली पहुंचे। तभी से बैठकों, बयानों और अटकलों का दौर चल रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्यपाल के पॉल से मुलाकात की और राज्य के सियासी हालात की जानकारी दी, और इससे पहले राज्यपाल ने सीएम हरीश रावत को 28 मार्च तक विश्वास मत हासिल करने के लिए चिट्ठी लिखी। वहीं उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत कल दिल्ली पहुंचकर कांग्रेस के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे और राज्य के सियासी संकट के बारे में जानकारी देंगे। राज्य के गार्जियन हैं, मैं उनको राज्य की राजनीतिक स्थिति के विषय में अपना असेसमेंट देने के लिए गया। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उत्तराखंड के राज्यपाल डॉक्टर कृष्णकांत पॉल से मुलाकात की है। काफी देर तक हुई इस मुलाकात में मुख्यमंत्री ने सरकार की तरफ से पक्ष रखा है, साथ ही उत्तराखंड के जो एडवोकेट जनरल हैं उनको हटाने की भी मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गुहार लगाई है। अब देखना होगा कि राज्यपाल की रिपोर्ट आखिर सेंटर को क्या जाती है, जिसके बाद फैसला हो सकेगा। यानी सरकार ने भी अपना पक्ष रख दिया है, और इससे पहले एक रोज पहले रात को 35 विधायकों की परेड बीजेपी के नेता करा चुके हैं। अब देखना होगा कि फाइनल निर्णय राज्यपाल का क्या होगा, और इसके बाद उत्तराखंड की सियासी समीकरण किस ओर रुख करेंगे। देहरादून से अपने सहयोगी कैमरामैन गोविंद के साथ सोनू सिंह, इंडिया 24/7। उधर सीएम हरीश रावत ने बीजेपी पर सरकार गिराने की साजिश करने का आरोप लगाया, और रावत ने कहा है कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और उनकी टीम सरकार को गिराने में लगी हुई है। उनके मंत्री जहाज लेकर आए थे और हरीश रावत से खास बातचीत की इंडिया 24/7 संवाददाता सर्वेश कुमार। उत्तराखंड की सियासत में लगातार बदलाव हो रहा है, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री समय हमारे साथ हरीश रावत जी। आप यहाँ बहुमत सिद्ध करने की बात कर रहे हैं, 9 लोग वहाँ दिल्ली में बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि 24 घंटे में सब कुछ साफ हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि आप बहुमत सिद्ध करने की? मुझे मालूम है ना कि मेरे पास बहुमत है, और यदि मेरे पास बहुमत नहीं होता, उनके पास बहुमत होता तो यहाँ रहते ना, क्यों भाग रहे हैं दिल्ली, क्यों लोगों को कैप्टिव बना करके रखा हुआ है। आप पैसे से, मनी से, शक्ति से कुछ देर के लिए लोगों को जो है पकड़ करके, जकड़ करके रख सकते हैं, और फिर बहुत सारी बातें हैं जो लॉजिस्टिक की बातें हैं, स्ट्रेटेजी की बातें हैं, वो मैं सब कह नहीं सकता, लेकिन आई हैव मेजोरिटी। लेकिन सर, आप ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार गिराने की साजिश की जा रही है, और बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हैं। यदि बीजेपी सरकार नहीं गिरा रही है तो 2 दिन पहले रात को जो है इनकम टैक्स की गाड़ियों में आरएसएस के 3 बिग बॉसेस, बीजेपी के शार्प शूटर जिन्होंने खुद को कहा, विजय वर्गीय जी और उनके 2 प्रभारी यहाँ क्या कर रहे थे? वे रात को क्यों 5-5 करोड़ रुपया लेकर के विधायकों के घरों को दस्तक देने का काम कर रहे थे? क्या कर रहे थे विधानसभा के अंदर? इतनी बड़ी बीजेपी की फौज जो है लेकर के लोगों को प्रॉम्प्ट करने की कोशिश कर रहे थे? फिर सबसे बड़ी बात तो यह है, उनके एक यूनियन मिनिस्टर जहाज लेकर के आए हैं, प्रूफ है, हाथ कंगन को आरसी गया, पढ़े लिखे वो फारसी गया, वो दिल्ली लेकर के गए हैं उनको जो है, और लीला होटल में जो है उन्हीं के नाम से, उन्हीं के कंपनी के नाम से टिकाया गया है। तो ये तो भाजपा का सारा जो है गेम है, अमित शाह है या भामाशाह है, जो भी है उनका गेम है। और आप जानते हैं
वो विरोध को कहीं बर्दाश्त करने की स्थिति में है ही नहीं। वो समझते हैं कि जो विरोध पक्ष है उसको इलिमिनेट कर दो, तो उनको ये लगता है कि हरीश रावत को भी यहाँ से हटा देना चाहिए। मैं कह रहा हूँ हरीश रावत तो बहुत छोटा आदमी, मैं तो यहाँ की जनता जब चाहेगी तब हटा देगी, हमको जनता की ताकत पर विश्वास है। कैमरामैन पीयूष के साथ सर्वेश कुमार, इंडिया 24/7। तो सीएम हरीश रावत जहां एक तरफ बहुमत होने का दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बागियों को ठिकाने लगाने में भी जुट गए हैं। हरीश रावत ने आज कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई और बैठक के बाद सीएम ने कहा कि बीजेपी के साथ मिलकर मोर्चा खोलने वाले हरक सिंह रावत को मंत्रिमंडल से हटाने का फैसला लिया गया। साथ ही सीएम रावत ने कहा कि राज्य के एडवोकेट जनरल यूके उनियाल ने कैबिनेट का विश्वास खो दिया है, उनियाल को बर्खास्त करने के लिए राज्यपाल से सिफारिश की गई है। विजय बहादुर सिंह नेगी नए एडवोकेट जनरल होंगे। आपको बता दें कि यूके उनियाल कांग्रेस के बागी विधायक सुबोध उनियाल के भाई हैं। विजय बहुगुणा के सीएम रहते उन्हें एडवोकेट जनरल बनाया गया था। और वहीं उत्तराखंड विधानसभा स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल ने कांग्रेस के 9 बागी विधायकों को नोटिस जारी किया है और इनके खिलाफ दलबल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी का साथ देने वाले कांग्रेस के 9 बागी विधायकों की सदस्यता जा सकती है, क्योंकि उन्होंने पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया है। जो एक्ट है दलबल का, उस एक्ट में अगर बाहर भी वो अपने कोई सम्मानित सदस्य बाहर भी अपनी दल के विरोध में कुछ हरकतें करते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं उनके साथ घटित करते हैं, तो उसको देखने के बाद तय होगा कि उन पर दलबदल कानून लगता है कि नहीं लगता है। अभी उसकी जांच होगी, जांच होने के बाद फिर उस पर कार्रवाई की जाएगी। कोशिश नहीं की जाएगी, जो हमारा संविधान कहता है, जो हमारे नियम कानून कहते हैं, जो हमारी नियमावली कहती है, उनमें जो व्यवस्था दी गई है उस व्यवस्था को देखकर ही स्पीकर कोई निर्णय करेगा। उधर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने उत्तराखंड में मुख्यमंत्री हरीश रावत के खिलाफ बगावत को बीजेपी का साजिश बताया है और प्रमोद तिवारी ने कहा है कि अगर बीजेपी में हिम्मत है तो विधानसभा के पटल पर बहुमत सिद्ध करें। ज्यादा से ज्यादा ये 9 विधायक एक काम कर सकते हैं कि ये इनका स्थान रिक्त घोषित हो जाएगा, ये डिफेक्शन नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये इस्तीफा दे सकते हैं। यानी कुल फर्क आएगा 4 सीट का 4.5 सीट, और 4 सीट कम भी अगर आप कर दें तो हरीश रावत सरकार का पूर्ण बहुमत बना हुआ है। वो राजभवन में नहीं साबित हो सकती बहुमत, वो अमित शाह के घर में नहीं साबित होगी। अगर साबित करना है तो मेरी चुनौती है कि भाजपा अविश्वास प्रस्ताव लाए हरीश रावत के खिलाफ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में कृषि उन्नति मेले का उद्घाटन किया और इस मौके पर पीएम ने कहा कि साल का बजट किसानों को समर्पित था। पीएम ने कहा कि किसानों की आमदनी दोगुनी हो सकती है। कई राज्य ऐसे हैं जहां कृषि पर थोड़ा ध्यान देने से बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के पूसा कैंप में 3 दिनों के कृषि उन्नति मेले का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने सरकार की तरफ से किसानों के लिए किए जा रहे काम का जिक्र अपने भाषण में किया। एक बड़े लंबे अरसे के बाद एक ऐसा बजट आया है जो पूरी तरह गांव, गरीब और किसान को समर्पित किया गया है। जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, क्या हम हमारे देश के किसानों की आय दोगुना कर सकते हैं क्या? एक एक बूंद का पानी का उपयोग होना चाहिए और इसलिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप। पीएम ने राज्यों और प्रगतिशील किसानों को कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित भी किया। कृषि उन्नति मेले का आयोजन किसानों को नई कृषि योजनाओं और तकनीकों की जानकारी देने के लिए किया गया है। मेले में 500 से ज्यादा स्टॉल हैं, जिनमें सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र की कंपनियां अपने कृषि उत्पादों का प्रदर्शन करेंगी। मेले में देश भर के 1,00,000 से ज्यादा किसान हिस्सा ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7। मिशन 2017 के लिए समाजवादी पार्टी कबर कस चुकी है। इसी कड़ी में यूपी में अखिलेश मंत्रिमंडल के विस्तार की अटकलें भी लगाई जा रही हैं और बताया जा रहा है कि कुछ मंत्रियों को प्रमोशन मिल सकता है। समीकरणों के तहत कुछ नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है, कुछ मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं।
और इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की नई इमारत का आज उद्घाटन किया गया। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस टीएस ठाकुर ने नए भवन उद्घाटन किया, नए भवन का, और राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री अखिलेश भी इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर चीफ जस्टिस ठाकुर ने कहा कि हमारा लक्ष्य जनता को तुरंत न्याय देने की ओर रहना चाहिए। लाखों मुकदमे लंबित हैं और इसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। जस्टिस टीएस ठाकुर ने कहा कि अगर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अनुरोध करें तो मैं गर्मी की छुट्टियों में भी काफी केसेस की सुनवाई करने को तैयार हूं। इस मौके पर जहां राज्यपाल राम नाईक ने समय पर न्याय मिलने पर बल दिया, वहीं सीएम अखिलेश ने सरकार के पूरे सहयोग का भरोसा दिया। हमारी सरकार ये मानती है कि जनहित के लिए आवश्यक है कि संविधान के तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक दूसरे के प्रति सम्मान और विश्वास की भावना हो और आपसी सामंजस्य से काम किया जा सके। उत्तर प्रदेश सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने और लोगों के त्वरित इंसाफ दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसलिए हमने हमेशा न्यायपालिका को वह सब सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश की हैं जिससे न्यायपालिका अपना कार्य सुचारू रूप से कर सके। मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं इस बड़ी इमारत और इस बेहतरीन बिल्डिंग की, लेकिन ये आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जैसे ये बिल्डिंग आपको डेडिकेट की गई, आपको दी गई, इसके साथ साथ लोगों की उम्मीदें जो हैं इंसाफ की वो भी बढ़ गई हैं। और यूपी के बलिया में मिड डे मील खाने से 125 बच्चे बीमार हो गए और घटना से नाराज लोगों ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को बंधक बनाकर जमकर हंगामा काटा। मामला प्राथमिक विद्यालय बहादुरपुर नई बस्ती का है। यहां मिड डे मील में बच्चों को दाल रोटी और सब्जी खाने के लिए दी गई। मिड डे मील खाते ही बच्चों को उल्टियां और तेज पेट में दर्द शुरू हो गया। हद तो तब हो गई जब बीमार बच्चों का अस्पताल में जमीन पर लिटाकर इलाज शुरू किया गया। वहीं एक ही बेड पर आपको बता दें कि 4 से 5 बच्चों का इलाज भी किया गया। बच्चों के बीमार होने की खबर से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। मामले की जांच की बात कही जा रही है। और आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान का मुकाबला चल रहा है और इस वक्त जो है टीम इंडिया को 119 रन का टारगेट मिला है 18 ओवर के अंदर। तो कोलकाता ईडन गार्डन में जो मुकाबला चल रहा है भारत पाकिस्तान के बीच, टॉस टीम इंडिया ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और अब तक तो फिलहाल गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। 118 रन पाकिस्तानी टीम ने बनाए हैं, यानी 119 रन भारतीय टीम को जीत के लिए लक्ष्य दिया गया है पाकिस्तान की ओर से। अब देखते हैं कि हमारे बल्लेबाज क्या कुछ गोल खिलाते हैं। हालांकि टारगेट बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसको आसान भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि पिछला नतीजा भी हमारे सामने है। 127 रन की चुनौती हमें मिली थी न्यूजीलैंड की तरफ से और हम 79 रन पर ढेर हो गए थे। हालांकि सामने पाकिस्तान है, धोनी के धुरंधर पूरी जी जान लगा देंगे अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए और जाहिर सी बात है कि जीत के अलावा कुछ भी यहां पर मुनासिब भी नहीं है। टीम इंडिया को आगे की अगर सफर में बढ़ना है तो जीत चाहिए। तो भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला जारी। पाकिस्तानी टीम ने 18 ओवर के मैच में 119 रन की चुनौती रखी है भारतीय टीम के सामने। गेंदबाजों ने उम्दा प्रदर्शन किया है यह जरूर कहना होगा, 118 रन पर ही रोक दिया है पाकिस्तानी टीम को और अब भारतीय बल्लेबाजों की बारी है। अब देखते हैं जो बैटिंग लाइनअप है जिसको हम सबसे दुनिया का सबसे बेहतरीन बैटिंग लाइनअप मानते हैं वो क्या कुछ दिखाता है यहां पर, क्योंकि हमारे पास ओपनर शिखर धवन है, रोहित शर्मा है, खुद विराट कोहली हैं जो कि शानदार फॉर्म में हैं, दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाज हैं इस वक्त, उनके पास ये तमगा है, युवराज सिंह हैं, सुरेश रैना हैं, खुद महेंद्र सिंह धोनी हैं, रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या हैं, अश्विन तक बल्लेबाजी है हमारे पास। अब देखते हैं ये 119 रन के टारगेट को टीम इंडिया किस तरह से अचीव करती है। तो आपको बता दें कि टॉस टीम इंडिया ने जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया क्योंकि नमी मिल रही थी, गेंदबाजों को फायदा मिल रहा था और ये धोनी का जो डिसीजन है वो सही भी साबित हुआ क्योंकि गेंदबाजों ने उम्दा प्रदर्शन किया है, 118 रन पर रोक दिया है पाकिस्तानी टीम को। 18-18 ओवर का ये मैच हुआ,
क्योंकि बारिश की वजह से दो दो ओवर काट लिए गए। 18-18 ओवर का ये मैच रखा गया है। अब 18 ओवर में पाकिस्तानी टीम ने 118 रन बनाए हैं। जाहिर सी बात है 119 रन का लक्ष्य दिया गया है टीम इंडिया को। अब गेंदबाजों ने तो अपना काम कर दिया है, अब बल्लेबाजों की बारी है। देखते हैं क्या कुछ करते हैं हमारे बल्लेबाज। उम्मीद यही है कि टीम इंडिया जरूर जीतेगी।